स्वामी जी, लिवर इंस्टीट्यूट का सारा स्टाफ आपका नमन और स्वागत करते हैं। हम लोगों का अहोभाग्य है कि आप समय निकाल के यहाँ आए और हमको, अस्पताल को और यहाँ पे जो काम करते हैं उन सबको आपने आशीर्वाद दिया। प्रणाम। मेरी समझ में लिवर पे योगा एक अपने आप में नया एक्सपीरियंस है, एक नया चैप्टर है जो हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उसके लिए आपने स्वीकृति दी आने के लिए आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। हम लोग 1 दिसंबर से और 8 दिसंबर तक हर साल बहुत सालों से हेपेटाइटिस के बारे में एक नेशनल अवेयरनेस शुरू करते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू हुआ 1990 में, जब एक पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी के थे मेरे पास आए, जहां मैं पहले काम करता था जीबी पंत में, और उनको लिवर डिजीज़ थी और मैंने कोशिश की कि उनका इलाज कर पाऊँ, पर वो इलाज उनको माफिक नहीं आया, लेट हो गए थे, तो इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे थे, 1 5 साल का और 1 7 साल का, जिनके लिए हम लोगों ने टेस्ट किया। दोनों बच्चे हेपेटाइटिस बी, और ये आया कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ा था 1978 में और 90 के अंदर वो लिवर डिजीज के साथ आया। दोनों बच्चे कैसे पॉजिटिव हुए, क्योंकि हस्बैंड से सेक्सुअली ट्रांसमिट होकर के वाइफ को गया। इस व्यक्ति को, जो मरीज जिसकी जान ना बच सकी, उसको हेपेटाइटिस भी खून से आया। अब उन दोनों बच्चों का हमने इलाज किया जो 5 और 7 साल के थे, पर दोनों बच्चों के अंदर इलाज नाकामयाब रहा, क्योंकि वो माँ से बच्चे को वायरस गया था। हम लोगों ने कोशिश करी, उस समय और दवाइयाँ नहीं थी। एक बच्चा जब 1995 में मेरे पास आया 5 साल बाद, कि मेरे अंकल पेट में दर्द है, देखा तो उस बच्चे को लिवर डिजीज थी और बड़ा लिवर कैंसर हो गया था, उसकी डेथ हो गई। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ कि इस बच्चे ने क्या गलती की। अगर इसको वैक्सीन या टीका बचपन में पैदा होते ही मिल जाता या कोई इलाज करता तो शायद बच जाता। उसके बाद से हम लोगों ने ये मुहिम चलाने का फैसला किया कि डॉक्टर रहने के अलावा भी हमारी जिम्मेदारी है। कई साल से, 16-17 साल से ये मुहिम चला रहे हैं, पर बहुत कम लोग जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में, हेपेटाइटिस के। आप वैसे सर्वविज्ञ हैं, सब पता है, पर एक डॉक्टर की उस नज़र से जरा सा मैं आपको 2 मिनट लेके एक प्रेजेंटेशन दूंगा जो इधर आपको दिखाई देगा। ये सबसे पहले हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इस अस्पताल में काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं कंट्री के। एक एक सीट के लिए नेशनल एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस के जरिए आते हैं, और ये सब लिवर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में, चाहे लिवर का सर्जरी हो, चाहे लिवर की मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या लिवर की बीमारियों में रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, या किडनी की बीमारियों के लिए, उस सब के लिए ये लिवर के कैंसर्स हों, तो ये ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट बॉयज़ हैं और हमें इन पर गर्व है। ये हमारी यंग फैकल्टी है, बहुत सारे लोग आपके शिष्य बन गए हैं बिना मेरे कहे। ये सब इसी में है, यंग, वाइब्रेंट, एंड एवरीवन इज स्मार्टर देन मी एंड बेटर देन मी है। और अस्पताल का जो गौरव है ये लोग बढ़ाते हैं, इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त। सिर्फ इसे एक स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि लिवर इंस्टीट्यूट भारत में अपनी तरह से कैसे पहला हुआ। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो एक हार्ट एम्बुलेंस जा सकती है, हार्ट कमांड होता है, हम लोगों के यहाँ लिवर की बीमारी में ब्लीडिंग होती है, लिवर खराब होने से। हम लोगों के यहाँ पहली ऐसी एक ब्लीड यूनिट है भारत में, और एक एम्बुलेंस है जो सब जगह जाके लिवर के मरीज को ला सकती है, कहीं भी हो, किसी हालत में हो, वो एम्बुलेंस इक्विप्ड। फिर एक स्पेशल लार्ज, इस अस्पताल का 40% भाग
जो है इंटेंसिव केयर है, क्योंकि लिवर के मरीज में समय नहीं होता, आता है और अगर कुछ घंटों में हम नहीं कर पाए, लोग सोचते हैं क्यों कुछ नहीं किया, पर समय ही नहीं होता क्योंकि उसका हार्ट भी किडनी भी लिवर के साथ में बैठ जाते हैं। तो एक बहुत हाई एंड लिवर कोमा यूनिट, एक बच्चों की लिवर यूनिट भारत में पहली बार यहाँ इस्टेब्लिश हुई है, और एक अलग से छोटे बच्चों, नए पैदा हुए उससे बड़े सब बच्चों के लिए लिवर का इलाज, लिवर की सर्जरी, हिपेटो पैंक्रियाटो बिलियरी, मतलब लिवर पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इन सब की सर्जरी का एक अलग विभाग है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन पूरे भारत में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे और सबसे सक्सेसफुल होते हैं। बाहर खर्चा आपका अंदाज है पूरा 50 लाख से भारत और विदेश में जाओ तो 1 करोड़ तक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ 11 लाख में मरीज का जो देरा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50 लाख और बाहर जाओ तो 1 करोड़ पे खर्चा आता है, तो 10% पे आ गए आप, 10% पे आ गए और सक्सेस है, लोगों को खुशी होती है यहाँ पे कि उनका सब साफ सुथरे तरीके से इलाज हुआ। फिर हम लोग जैसे किसी का ब्लड प्रेशर अगर 100 से 200 हो जाए तो बहुत चिंतित होता है, तो लिवर का प्रेशर नॉर्मली 5 होता है, 5 से 10 हो जाए तो बहुत वरी होती है, तो हम लोग लिवर का प्रेशर नाप के लिवर के इलाज करने के लिए तैयारियां करते हैं, हम लोग किडनी का सपोर्ट देते हैं, लिवर कैंसर का सपोर्ट देते हैं, ये सब भारत में। और जैसे किडनी का डायलिसिस होता है वैसे लिवर का डायलिसिस है, ये भी भारत में एक ही जगह ऐसा एस्टेब्लिश टेक्निक की तरह से है। तो ये सब मैं आपको इसलिए समर्पित कर रहा हूँ जिससे कि आप ये ना सोचें कि हम लोग खाली मतलब यहाँ आके रूटीन, हम लोग पढ़ाने का काम भी करते हैं स्वामी जी, एक ये यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व में ILBS लिवर की एकमात्र यूनिवर्सिटी, भारत सरकार से UGC से ये अप्रूव्ड है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने मापदंड बनाएं और लोगों का क्रिटिसिज्म भी लें कि अगर हम गलत हैं, अगर हम में कमियां हैं तो हमें बताएं। इसी दौरान में मैं ये अब आपको 2 मिनट भारत में हेपेटाइटिस के बारे में क्या स्थिति है, तो जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं वैसे ही 5 वायरसेस हैं, एक वायरस है हेपेटाइटिस ए और एक है ई, अंगूठा और छोटी उंगली, ये दोनों भोजन खान पान से होते हैं, और आपका अगर लोग वो फॉलो करें, मार्गदर्शन लें, अच्छा साफ भोजन लें, साफ पानी लें, तो ये आसानी से, और भारत में आप सरकार को अगर ऐसा साथ जोड़ लें कि भाई साफ पानी और साफ खाना मिल जाए स्वच्छ भारत के थ्रू, तो मुझे लगता है हेपेटाइटिस ए और ई ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अब रहा बी और सी, ये खून से जाते हैं, बी सी और डी, ये जो छोटी उंगली के बाद वाली उंगली और बाकी तीनों उंगलियां, भारत में करीब करीब 4 करोड़ लोग और करीब 1.2 करोड़ जो हैं हेपेटाइटिस सी, पर दोनों को जोड़ें ये अंडर एस्टिमेट हो सकता है, करीब करीब 6% जनता भारत की इससे ग्रसित है और 3% लोग हर साल जिनको वायरस है मर जाते हैं। तो जैसे मैंने उन बच्चों की कहानी सुनाई, ऐसे हर रोज शादियां टूटती हैं, घर टूट जाते हैं, परिवार बिक जाते हैं क्योंकि इलाज नहीं करा पाते, और इसलिए आपका मार्गदर्शन, सहयोग, आपका नेतृत्व अगर इसमें लग जाए तो मुझे लगता है, हमारा ये विचार है कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसको टीका लगना कंपलसरी है। अगर 65 साल हम उम्र माने किसी भी व्यक्ति की, तो 65 साल में आज अगर 100% वैक्सीन हो जाए तो 65 साल में जो कल पैदा हुआ था वो 65 साल जिएगा, उसको हो सकता आज वाला बच्चा रहे तो 2080 तक हम लोग इसको निकाल सकते। अब मैं आपको स्कूलों की दशा बताता हूँ। स्कूल में एक सर्वे किया गया, करीब 289 बच्चों ने इसमें भाग लिया। अब उनसे पूछा गया भाई हेपेटाइटिस बी क्यों होता है, कईयों ने कहा कि हेपेटाइटिस बी खाने से होता है, कईयों को पता ही नहीं था। भारत के अच्छे स्कूल में 20% बच्चों को नहीं पता, मैंने कहा खून से जाता है, पर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहते हैं जी खाने से जाता है। तो ये अगर हालत रही तो हम लोग, तो ये मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए, आप तो सारे स्कूल्स में हर जगह आपका इतना फॉलोइंग है, तो मैं चाहता हूँ स्कूल के अंदर भी ये बात क्लियर हो। अब उनसे पूछा भाई कितने बच्चों ने टीके लगाए, तो आप देखिए
करीब 25% लड़कों ने और 20% लड़कियों ने टीके ही नहीं लगवाए। अगर वो लड़कियां माँ बनेंगी और उन्होंने टीका ही नहीं लगवाया तो उनके बच्चों को तो हेपेटाइटिस हो सकती। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मार्गदर्शन स्कूलों में भी रहे। और लास्ट है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग भी हेपेटाइटिस बी को सीरियस, वो कहते हैं टीका तो लगवा लिया पर उन्हें ये नहीं मालूम कि वैक्सीनेशन में और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है। वैक्सीन आप लगवाएं और अगर एंटीबॉडी बन जाए तब आप सुरक्षित हैं। आप टीका लगवा लें पर उसका असर ही नहीं होता। 7% लोगों में ये टीके का असर नहीं होता, डॉक्टर्स में भी नहीं होता। और अगर अब दिल्ली में अगर अपन देखें और बाहर देखें तो आधे लोग तो टीका, नर्सें भी टीका नहीं लगवाती। ILBS में 100% है, हर नर्स, हर टेक्नीशियन, हर डॉक्टर का 100% इम्यूनाइजेशन है, पर ये भारत में नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेज हर एक के संपर्क में आते हैं, खुद बीमार हो जाते। तो ये यही समर्पण के साथ में मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ हेपेटाइटिस कन्वर्जेंस वीक पे। और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका प्यार इस कार्यक्रम के लिए और आने वाले वर्षों के लिए चाहूँगा।